आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 10 एंटी एजिंग फेस मसाज पॉइंट्स। आप चाहें तो इन प्रेशर पॉइंट्स को दबाने से पहले चेहरे पर एक होममेड सीरम भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक बढ़िया सा सीरम तैयार किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप बिना इसके भी इन प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस कर सकते हैं। इस सीरम को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। आप घर पे अगर एलोवेरा प्लांट है तो उसका जेल यूज़ कर सकते हैं या फिर मार्केट से भी ले सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच ग्लिसरिन। ये तीनों ही चीज़ें गुणों की खान है। आपकी स्किन को भरपूर न्यूट्रिशन मिलेगा, आपकी त्वचा में नमी बनाए रखने का काम करेंगी। चेहरे पर किसी भी तरह के दाग धब्बे, डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन है तो ये आपके लिए संजीवनी है। ये सीरम होममेड है, केमिकल फ्री है। इसका असर जो है ना वो कमाल का है। चेहरे पर जो रौनक आएगी वो देखते ही बनेगी। इसे अच्छे से मिक्स करके अपने हाथों पर ले लेना है। बढ़िया सा गर्माहट जब आ जाए तो इसे हल्के हाथ से दबाव करते हुए अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई करना है। हर जगह इसे अच्छे से अप्लाई कर दें, गर्दन को ना भूलें। 10-15 मिनट आप इसे अपने चेहरे पर लगा रहने दें और इस बीच ये जो 10 पॉइंट्स हैं इन्हें प्रेस करना है। शुरुआत करना है होंठ के निचले भाग से। अपनी जीभ को होंठ के नीचे लगा दें ऐसे, और यहाँ पर ठीक नीचे अपनी फिंगर से दबाव डालें। जब आप इन पॉइंट्स को प्रेस करेंगे ना तो ये आपके चेहरे से फाइन लाइंस को और रिंकल्स को दूर करने में मदद करेगा। हर पॉइंट को कम से कम 10 सेकंड आप प्रेस करें। दूसरा पॉइंट अपने होंठों के दोनों तरफ। जब आप ये कर रहे हैं लंबी गहरी सांसें लेते रहें। जितना रिलैक्स होकर आप ये अभ्यास को करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तीसरा पॉइंट हो गया नाक के ठीक नीचे, नाक और होंठ के बीच में ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर आपको ये आपके चेहरे पर ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, आपका जो लिम्फ फ्लो है उसे इम्प्रूव करेगा। चौथा पॉइंट हुआ नाक के दोनों तरफ, यहाँ पर हल्का सा दबाव देते हुए आप महसूस करें। अगर नेजल पैसेज में किसी तरह का कंजेशन है उसे दूर करने का भी काम करेगा। इसके बाद आपकी जो चीक बोन है आप फील कर सकते हैं चीक बोन को, इसके आँख के यहाँ ठीक नीचे ऊपर की तरफ दबाव देते हुए अपने फिंगर्स को रखना है। लंबी गहरी सांसें लेते रहें। कर रहे हैं ना आप साथ में? देखिए, वीडियो देखने से तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसके बाद ये जो चीक बोन का सबसे ज़्यादा उभरा हुआ जो हिस्सा है यहाँ पर अपने फिंगर्स को रखना है। 10 सेकंड मिनिमम टाइम है, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे करने के बाद चेहरा एकदम ग्लो करेगा। फिर इसी को आगे की तरफ अपने फिंगर्स को चलाएं, जहाँ ये हड्डी ख़त्म हो रही है उस जगह पर आपको दबाव देना है। आप एकदम रिलैक्स्ड फील करेंगे। बहुत बढ़िया। अब अपने आईब्रो के पास में आ जाएं। आईब्रो का जो आखिरी सिरा है यहाँ पर आपको प्रेशर देना है। जब नींद अच्छी होगी तो सुबह जो ताजगी आपके चेहरे पर नज़र आएगी वो देखते ही बनेगी। आईब्रो की स्टार्टिंग में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने से चेहरे का ग्लो तो बढ़ेगा ही। सांसें लेते हुए जब आप इस अभ्यास को करते हैं बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं। और उसके बाद दोनों आईब्रोज के बीच में ये जो पॉइंट है यहाँ पर, थर्ड आई जिसे हम कहते हैं, फाइन लाइंस और रिंकल्स की समस्याओं से भी आप दूर रहेंगे। नाइस, ये एक राउंड हुआ। इसी तरह से आपको एक और राउंड करना है। दूसरा राउंड जब आप करेंगे तो आप इन पॉइंट्स को हल्की हल्की मसाज भी दें। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, फोर्थ। ये मसाज भी आप 10-15 सेकंड दें हर एक पॉइंट को यहाँ पर।
चीक बोन का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है यहाँ पर, मैं अभी थोड़ा आपको जल्दी जल्दी करके बता रही हूँ, आप इसमें टाइम लगाएं बाद में आराम से। ये बोन का जो सबसे आखिरी हिस्सा है जहाँ पर यह हड्डी ख़त्म हो रही है, आईब्रो के साइड्स में, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं दबाना है, जहाँ पर आईब्रो स्टार्ट हो रही है वहाँ, और सबसे लास्ट में ये जो थर्ड आई है, आज्ञा चक्र। रिलैक्स, कैसा लग रहा है? रिलैक्स फील कर रहे हैं? ये बहुत ही इफ़ेक्टिव अभ्यास है, अगर आप रोज़ाना इसे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने फेस पर बहुत ही विजिबल चेंजेस नज़र आएंगे। और एक और चीज़ जो आपके चेहरे की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है, वो है आपकी मुस्कुराहट। सुंदरता बढ़ाने के अलावा मुस्कुराने के और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये देखने के लिए ये जो वीडियो इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसे आप ज़रूर देखें। मेरा दावा है कि आप मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगे। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।